फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन जॉन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर के लिए फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी सिमिलरिटी। तो जॉन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या सिमिलरिटी होती है, तो देखिए, जॉन प्लेट तथा कॉन्वेक्स लेंस दोनों की फोकल लेंथ वेव लेंथ पर डिपेंड करती है या फिर निर्भर करती है। जो जॉन प्लेट होते हैं और कॉन्वेक्स लेंस, उनकी दोनों की जो फोकल लेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर। वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर डिपेंड करती है। अतः दोनों क्रोमेटिक एब्रेशन के प्रदर्शित करेंगे या शो करेंगे, जो दोनों है वो क्रोमेटिक एब्रेशन को शो करेंगे। तो इसकी ये क्या होगी, फर्स्ट सिमिलरिटी होगी। एंड सेकेंड क्या है, दोनों के लिए कॉन्जुगेट डिस्टेंस का बीच का रिलेशन समान होता है। जो दोनों हमारे जॉन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस हैं, उनके लिए कॉन्जुगेट डिस्टेंसेस के बीच का रिलेशन जो होता है वो एक समान होता है। तो ये दो होगा इसकी सिमिलरिटी। अब हम इसकी पढ़ेंगे डिफरेंस, कि जॉन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखिए, डिफरेंसेस में फर्स्ट क्या है, जॉन प्लेट में कई फोकल लेंथ होती है, अर्थात इसके द्वारा किसी पॉइंट सोर्स की प्राप्त घटती हुई तीव्रता की कई इमेजेस प्राप्त होंगी। जो जॉन प्लेट होती है उसमें कई फोकल लेंथ होती है, बिकॉज इसमें एन आ जाता है, अतः इसके द्वारा किसी पॉइंट सोर्स को घटती हुई तीव्रताओं की इमेजेस प्राप्त होंगी। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें एक ही फोकल लेंथ होती है। इसका सेकेंड क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज पॉइंट पर पहुंचने वाली सभी रे का ऑप्टिकल पाथ सेम होता है। जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, इमेज पॉइंट पर पहुंचने वाली सभी रेज किरणों का जो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, सेम होता है। परंतु जॉन प्लेट के लिए दो सक्सेसिव ट्रांसपेरेंट जोन से पहुंचने वाली रेज या किरणों के लिए बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है। इसमें क्या होता है कि जो दो रेज पहुंचेंगी पॉइंट, इमेज पॉइंट पर जो रेज पहुंचती हैं, उनका ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, सेम होता है कॉन्वेक्स लेंस में। बट जो जॉन प्लेट है उसमें दो सक्सेसिव ट्रांसपेरेंट जोन से पहुंचने वाली रेज के बीच पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा होता है। तो इसमें ये डिफरेंस हुआ। एंड थर्ड है इसका, जॉन प्लेट की फोकल दूरी, जॉन प्लेट की फोकल दूरी वॉयलेट के अपेक्षा रेड कलर के कम होती है। जो जॉन प्लेट होती है उसकी फोकल दूरी क्या होती है, वॉयलेट कलर के अपेक्षा रेड कलर से कम होती है। तो यहाँ पे एफ रेड कलर, फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर क्या होती है, कम होती है, किससे, एफ वॉयलेट कलर से। तो इसका ये होगी जॉन प्लेट के लिए। परंतु कॉन्वेक्स लेंस की फोकल दूरी रेड कलर के लिए अधिक होती है। जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उसकी फोकल दूरी रेड कलर के लिए अधिक होती है। तो एफ या फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर क्या होगी, ज्यादा होगी फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट कलर से। तो ये हो गई इसकी डिफरेंस और सिमिलरिटीज। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।